वन पंच मैन को भाई हिंदी में देखना इतना आसान है, बस क्लिक करिए और हाँ, और इंग्लिश में देखना तो उससे भी आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जाना है यूट्यूब चैनल के ऊपर, देख लेना है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। एनीवेज, अगर आपको नहीं पता है कि हिंदी देखने के लिए कहाँ क्लिक करना है, वेल डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी वन पंच मैन के रिलेटेड बातें करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप वन पंच मैन देखने जा रहे हो तो थोड़ी सी चीज़ें जान लेना थोड़ा ठीक रहेगा। तो इस वजह से वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहली दलील का उत्तर दे देता हूँ जो कमेंट सेक्शन में अभी आगे कहेंगे, भाई तू सीधा भी तो बता सकता था। तो सीधा नहीं बता सकते ना, पॉलिसीज होती हैं, थोड़ा लालच होता है वो उस टाइम का। एनीवेज, तो शुरुआत करते वीडियो को बिना किसी देर के। हाउडी एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अरियान वी ओटा। तो शुरुआत करते हैं भाई वीडियो को। अब देखो, अगर तुम वन पंच मैन देखने जा रहे थे, तुम्हें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइक बहुत ज़्यादा। वन पंच मैन के ऑथर का नाम भी वन है। अब वो उसका पेन नेम है, रियल नेम नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये पूरी मांगा स्टार्ट हुई थी ना, वन पंच मैन बाय वन, इट वॉज जस्ट अ जोक, मजाक कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो थोड़ा सा जो है ना, जब आप इसको देख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ये इंजॉयमेंट के लिए है भाई। ये तो होगी पहले सीजन की बात। दूसरे सीजन की बात मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। आफ्टर वॉचिंग सीजन वन एंड सीजन टू, यू गाइज नीड टू वॉच दिस होल सीरीज अ सेकेंड टाइम। एंड सेकेंड टाइम शुरुआत होती है द रियल थ्योरी बिहाइंड एन ऑथर्स माइंड सेट। जब आप दूसरी बार इस एनिमे को देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करने वाले हो। एंड इफ़ यू आर समवन जिसने ऑलरेडी वन पंच मैन देख रहा है और वो अभी तक सिर्फ ये सोच रहा था कि हाँ भाई ये तो एक फनी सी स्टोरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लैग करती हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा तुम्हें वो सीरीज़ दोबारा देखनी पड़ेगी और अब की बार उसको अच्छे से देखना। जो पार्ट स्किप कर दिए थे ना कि बोरिंग बोरिंग बोरिंग, वो भी देखना, तब तुम्हें रिलाइज होगा कि ओ शिट डूड, दिस मेक सो मच सेंस। ये खासियत है वन पंच मैन और ये खासियत होती है एक ऑथर की पेन राइटिंग की। बात करते हैं सीजन टू की, तो जो देखने जा रहे हैं उनको बता देता हूँ, सीजन वन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक तुम उसे देख के पागल हो जाओगे, ओ शिट भाई ये क्या देख लिया, तुम बोड़े हो जाओगे। बट सीजन टू देखते तुम्हारे दिमाग में आएगा, ओ शिट भाई व्हाट इज दिस शिट भाई, क्यों हो रहा है भाई ये। रीज़न बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइमिंग। हाँ, मतलब क्या होगा अगर एक सीरीज के अंदर जो मेन कैरेक्टर वो साइड कैरेक्टर जितना देखे हैं, तो यही हालत होती है सीजन टू के अंदर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हेटरेड है, मतलब खुंदस है लोगों में कि ये सीजन टू थोड़ी था, ये तो मतलब क्या ही था ये। तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड दिक्कत होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा भाई, सीजन वन देखने के बाद सीजन टू को दोबारा देखना, अगर फिर भी समझ नहीं आया ना तो इससे अगली वीडियो देखना जहाँ पे मैं सीजन को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और तुम्हें कुछ हिडन फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ वन पंच मैन बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वन पंच में। और सीजन वन सीजन टू जब तुम्हारे दोनों खत्म हो जाएंगे, तब तुम्हारे हृदय में एक सवाल उठेगा। सीजन थ्री कहाँ है? तो सीजन थ्री बहुत जल्द आएगा, चिंता ना करो भाई। अगर तुम अभी वन पंच मैन देखना शुरुआत करो तो तुम्हें हमारे जितना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मांगा ऑलरेडी लिख दी गई है, अब स्टोरी बन चुकी है, सीजन भी आ जाएगा। सो डोंट वरी, सीजन थ्री ड्रॉप व्रॉप कुछ नहीं होगा। बट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि जो सीज़न थ्री हो सकता है ना, जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि तुम जब सीज़न थ्री देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आएगा, दिस इज़ अ गॉड टायर शिट ब्रो, दिस इज़ अ गॉड टायर शिट। तो मतलब भाई 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 भाई, तुम्हें पता नहीं अभी वन पंच मैन की स्टोरी इनके कितना अपहोल्ड कर रखा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया ना वन अपनी स्टोरी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। तो हाँ, उसकी बात करेंगे पार्ट थ्री ऑफ द वीडियो के अंदर, जब सीजन वन टू का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो शुरुआत करने वाले हैं अपन वन पंच मैन की आफ्टर स्टोरी की, जो बहुत प्यारी वीडियोज होने वाले, बिकॉज भाई स्टोरी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, लाइक बहुत क्रेजी।
हाँ, नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए तो भूख के प्यासे बैठे होगी भाई, क्रंची रोल पे भी वन पंच मैन नहीं है, जियो सिनेमा में भी वन पंच मैन नहीं है। वन पंच कहाँ देखना है भाई, हम जाके एनीवॉच एनीवॉच पे देख लेंगे, बट वहाँ पे तो हिंदी में ही नहीं है ना, तो ब्रदर कहाँ से देखे, ब्रदर हेल्प अस ब्रदर, तो ब्रदर हेल्प करता है भाई। तो हाँ, इसका हिंदी डब किसी भी इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अभी तक नहीं निकाला है, बातें चल रही है मूजी इंडिया, जो भी मूजी मूजी जो भी वो कंपनी है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट जो भी वो कंपनी है वो हिंदी डब लाने वाली है बहुत जल्दी, और हो सकता है कि वो YouTube के ऊपर भी आएगी फ्री में हिंदी के लिए। जब वो आएगी तब का मैं तभी बता दूंगा, जो अभी का ऑप्शन है उसके लिए बहुत सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आ जाएगा, आई डोंट पोस्ट ऑन इट, मतलब आई डोंट एवर पोस्ट इट, मतलब वो बस है ऐसे ही, ठीक है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, फॉलो करके बस डीएम कर देना, ब्रदर सब्सक्राइब टू योर चैनल, सब्सक्राइब कर देना चैनल, मैं स्क्रीनशॉट मांगूंगा। तो जैसे तुम फॉलो करके डीएम करोगे तो जो क्या कहते हैं ये एआई होता है, वो अपने आप चल के तुम्हारे पास लिंक भेज देगा टेलीग्राम का, जहाँ से तुम फिर मजे लेना बच्चों। हाँ, लेकिन दो चीज़ें श्योर कर लेना, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरे फॉलो कर देना, फिर वो ऑटो जनरेट करके तुम्हारे पास भेज देगा डीएम्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अगर वीडियो के अंदर मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर देना, आई कीप ऑन अपलोडिंग कॉन्टेंट लाइक दिस, और हाँ अगली वीडियो का थोड़ा इंतजार करना, सीजन टू सीजन थ्री आने वाला है चैनल के ऊपर, बहुत सेक्सी मज़ा आने वाला है भाई, जो वन पंच मैन की बातें होने वाली हैं। So thank you so much for watching this video till the end. I'll see you guys in the next one. The boy signing off from Ariane Otaku. Peace out.